सनातन पुरुष, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तो सदा सदा इस जीव आत्मा की रक्षा करता है। जहां जहां मेरा जीव हंस उड़ उड़ के जाता है, तेरी दृष्टि निरंतर मेरा पीछा करती रहती है। जैसे कोई पक्षी अपने कमजोर बच्चे के पीछे उसकी रक्षा के लिए उड़ता रहता है। हे सनातन ब्रह्म, मेरे दुष्कर्मों की अग्नि लपट बन के मुझे फूंक डालने के लिए मेरा पीछा करती है, किंतु तू महान करुणा करता है। तू अमृत का बादल बन के बरसता है। तू मेरे पाप संताप और कर्मों की दाह को अग्नि को शांत कर देता है। संसार में आके ये जीव आत्मा अपने उस सनातन घर को भूल के जगत के मोह में फंस जाता है। मनाती फिरे चमन में चोंच मिले के गुल लाले, ए दिल बुलबुल ये सब गुल हैं जान के खाने वाले। बुलबुल पक्षी चमन में फूल की एक पत्ती, लाल फूल की एक पत्ती अपनी चोंच में लिए खुशी में चहकती इधर से उधर फिरती है, किंतु वो नहीं जानते कि इन फूलों के मोह के कारण, उनमें आसक्ति होने के कारण ही सयाद उसको पकड़ लेता है, उसको पिंजरे में डाल देता है,
जीव आत्मा जगत में ये मेरा है ये मेरा नहीं है। मोह के इन फूलों के बीच विचरती ये जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन में पड़ी रहती है, दिन रात कलेश में डूबी रहती है। जगत की आसक्ति हट के जब सनातन पुरुष से लगती है तब इसको भक्ति प्राप्त होती है, तब ये जीव आत्मा शांति के पथ पे सनातन पथ पे मुक्ति के रास्ते की तरफ को अग्रसर होती है। खुशी मनाती फिरे चमन में चोंच में लेके गुल लाले, ए दिल बुल बुल ये सब गुल हैं जान के खाने वाले। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। तू सब में सह न पाएगा, उलझ मत दिल बहारों में, तू सब में सह न पाएगा, उलझ मत दिल बहारों में, तू सब में सह न पाएगा। जो आँख से मोती तेरा, जो आँख से मोती तेरा, जो आँख से मोती तेरा, जो आँख से मोती जमी से उठ न पाएगा, तेरा जो आँख से मेरा, जो आँख से मोती कमी से उठ न पाएगा, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत में बिंद जाएगा, उलझ मत दिल बहारों में, काटो में बिंद जाएगा। जो आँख से मोती तेरा, जो आँख से मोती जमीन से उठ न पाएगा, तेरा जो आँख से मोती जमीन से उठ न पाएगा, तो मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। है आशना वही दिल को दुखाएंगे,
जिन्हें समझा है आशना वही दिल को दुखाएंगे। दिल का चमन उजड़ा जो इस दिल का तो बसाया न जाएगा। चमन उजड़ा जो इस दिल का तो बसाया न जाएगा। चमन उजड़ा जो इस दिल का जो इस दिल का चमन उजड़ा जो इस दिल का तो बसाया न जाएगा। चमन उजड़ा जो इस दिल का तो बसाया न जाएगा। तुम नजमत दिल का बादशाह को इस कदर बैराग हुआ कि तमाम मुल्क सल्तनत छोड़ के अपने गुरु के चरणों में जाके बैठ गया। गुरु ने बहुत समझाया मगर वो न माना। दिन रात वन में अपने गुरु की सेवा करता, राज्य में अराजकता फैलने लगी। ऋषि ने सोचा किस तरह से राज्य को संभाला जाए। राजा से कहा, सुनो तुम अब राजा नहीं हो किंतु मेरे शिष्य हो और मेरी एक आज्ञा मानो। ये राज्य तो तुमने मुझे दे ही दिया है, अब तुम ऐसा करो मेरी नौकरी कर लो। हर महीने तुम्हें तनख्वाह दिया करूंगा, जो काम मैं बताऊं वो करो। राजा ने कहा, जो आज्ञा हो गुरुदेव, आप आज्ञा दें। ऋषि ने कहा, मेरी जगह तुम जाके उधर राज गद्दी पर बैठो और हर महीने मुझसे तनख्वाह आके ले जाना। ऐसा ना हो कि प्रजा नष्ट हो जावे,
दूसरा कोई राजा राजा से विहीन राज्य को देख के हमारे राज्य पे आक्रमण कर दे। गुरु की आज्ञा मान के बैरागी भेष में राजा राजगद्दी पे जाके बैठा। सुबह शाम गुरु के चरणों की वंदना करने जाता। पूरी प्रजा को पता चल गया कि अब ये राजा इस राज्य का राजा नहीं, बल्कि जो इसके गुरु हैं, जो महात्मा हैं, जो ऋषि हैं, जो तपस्वी और त्यागी हैं, वे अब इस राज्य के स्वामी हैं। एक लालची आदमी उन ऋषि के चरणों में पहुंचा, बोला, मैं बड़ा गरीब व्यक्ति हूं, मेरा जीवन बड़े दुखों में बीत रहा है, आप चाहें तो मेरा जीवन संवर सकता है, मुझे कुछ धन संपदा या जमीन दिलवा दीजिए। ऋषि ने बहुत समझाया, पुत्र जगत की कामना ना करो, परमेश्वर ने तुम्हें जितना दिया है उसी में सब्र करो, क्योंकि बेशक परमेश्वर सब्र करने वालों के साथ है। मगर उस आदमी के दिल में तो लालच बैठा हुआ था, वो न माना। महात्मा ने कहा, ठीक है, सुबह जब सूर्य उदय हो घोड़े पे चढ़ के आना, शाम तक जितनी दूर तक तुम अपने घोड़े को दौड़ा सकोगे उतनी जमीन हम तुमको दे देंगे। उस लालची आदमी को रात भर नींद ना आई, सोचता रहा, करवटें बदलता रहा। आधी रात के बाद ही घोड़े पे चढ़ के ऋषि की कुटी के पास आके खड़ा हो गया। कब सूर्य उदय हो, कब दिन निकले, जैसे ही सूर्य का किनारा चमका, ऋषि के चरणों में नमन करके घोड़े पे चढ़ के सरपट घोड़ा दौड़ा दिया। सोचता था ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जे में हो जावे। सूरज जैसे जैसे ऊपर को चढ़ना शुरू हुआ, घोड़े की रफ्तार तेज होती गई। दोपहर हो गए, घोड़ा पसीने पसीने, न वो कहीं उसे रोकता है, न पानी पिलाता है, न विश्राम कराता है। उसके दिमाग में तो लालच का भूत बैठा है। दोपहर भी ढलने लगे, घोड़ा बेहाल हो गया। उस आदमी को यह ख्याल ही नहीं कि अब सूर्यास्त होने को है, अब मुझे पलटना भी है, सोचा भी तो बहुत दिन है। जब धूप बिल्कुल फीकी पड़ने लगी, घोड़े को लौटाया। जैसे ही घोड़े को लौटाया, घोड़ा गिर गया। लाख उठाने पे भी घोड़ा ना उठा, वहीं पे घोड़े ने दम तोड़ दिया।
अब खुद पैदल भागम भाग। जितना तेज भाग सकता था भागा, पर कहां तक भागता। सूर्यास्त हो गया, मन से झाग आने लगे, बेदम होके जमीन पे गिर गया। नसें फट गईं और वहीं पे खत्म हो गया। ऋषि करुणा भरे हृदय से वहां आए, कहने लगे तूने मेरा कहा न माना। तुझे तो सिर्फ दो गज जमीन काफी थी, तुझे तो सिर्फ दो गज कपड़ा काफी था, मगर तू न माना। ओ लज मत दिल बहारो में, लज मत दिल बहारो में, तू सब में सह न पाएगा। ओ लज मत दिल बहारो में, तू सब में सह न पाएगा। तुम्हारा जो आँख से मोती, 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 जमीन से उठ न पाएगा। तुम्हारा जो आँख से मोती, आँख से आंसू निकल के जमीन पे गिर जावे, उठ नहीं सकता। आदमी की इज्जत एक दफा खराब हो जावे, पलट के वापस आ नहीं सकते। ओ लज मत दिल बहारो में, ओ लज मत दिल बहारो में, लगा के दिल को दुनिया में, सभी तरफ बाद होते हैं। लगा के दिल को दुनिया में, सभी तरफ बाद होते हैं। लगा के दिल को दुनिया में, सभी तरफ बात होते हैं। लगा के दिल को दुनिया में, सभी बात होते हैं। दुख पर पेगा इस तरह, दिल पर पेगा इस तरह, समझाया न जाएगा। के दिल तड़पे इस तरह, के समझाया न जाएगा। जो तड़पे इस तरह, के दिल तड़पे इस तरह, के समझाया न जाएगा। दिल करे इस तरह, के समझाया न जाएगा। जुमत दिल बहारो में, जुमत दिल बहारो में।
करो उसके बंदगी। जो मालिक दो जहां का है किया करे उसकी बंदगी। जो मालिक दो जहां का है किया करो उसकी बंदगी। जो मालिक दो जहां का है उसकी बंदगी। बहुत आराम पाएगा बहुत आराम पाएगा बहुत आराम पाएगा। रजमत गरखुरद मर्द खुदा बजल दरवेशा कुनद नीमे दिगर। ऐ परमेश्वर की राह में चलने वाले अगर कुदरत ने तुझे आधी रोटी दी है तो उसमें से भी कुछ टुकड़े उस मालिक की राह में खैरात कर दे दान कर दे। तुझे परमेश्वर के द्वार से अनंत शांति और दिव्य संपदा प्राप्त होगी। ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन करने वाले ऋषि कहते हैं अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। जो अपनी वाणी को पवित्र कर लेता है जो अपने हृदय को मृदुमान बना लेता है जो अपने कर्मों को स्वच्छ निर्मल पवित्र बना लेता है अपनी दिव्य संपदाएं प्रदान करता है। हीरे मोती माणिक ये पत्थर हैं, वास्तविक संपदा आत्मा की शांति परमेश्वर के प्रति अनुराग सत्पुरुषों का संग सतगुरु की सेवा सत्संग भक्ति कीर्तन उस परमेश्वर के प्रति प्रेम उसका नाम जप और आराधना ये दिव्य संपदाएं हैं जिससे आत्मा हमेशा के लिए अमृत और शांति को पाती है। जो तुझ पे आधी रोटी है तू आधी खैरात तो कर दे। जो तुझ पे आधी रोटी है आधी खैरात तू कर दे। कुदरत के खजाने से कुदरत के खजाने से बड़ी दौलत को पाएगा। कुदरत के खजाने से बड़ी दौलत को पाएगा।
जो तुझ पे आधी रोती है तो आधी खैरात तू कर दे, जो तुझ पे आधी रोती है तो आधी खैरात तू कर दे। कुदरत के खजाने से बड़ी दौलत को पाएगा, कुदरत के खजाने से बड़ी दौलत को पाएगा। मत दिल पहाड़ों में मत दिल पहाड़ों में तुम्हें सहन पाएगा, उलझ मत दिल पहाड़ों में सद में सहन पाएगा। जो आँख से मोती जो आँख से मोती जमी से उठ न पाएगा, जो आँख से मोती पाएगा। मत दिल पहाड़ों में उलझ मत दिल पहाड़ों में विचरण कर रहे थे, उन्हें प्यास लगी, इधर उधर देखा कहीं दूर तक जल नहीं। अर्जुन ने पेड़ पे चढ़ के देखा दूर कहीं पक्षी उड़ रहे हैं, वहां अवश्य जल होगा। जल लेने के लिए अर्जुन गए, देखा एक तालाब है। जैसे ही जल पीना चाहते हैं, पात्र में जल लेना चाहते हैं, आवाज आई, ठहरो, मैं इस तालाब का रक्षक यक्ष हूं, मेरे धर्म प्रश्न के उत्तर दो, तब तुम इस जल का स्पर्श कर सकते हो। अर्जुन ने कुछ ना सुना, उसने पात्र डुबा दिया, तुरंत बेहोश होके किनारे पे पीछे को गिर गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत देर हो गई, लौटे नहीं। भीम वहां से चले, उन्होंने भी ऐसा ही किया, वे भी मूर्छित होके गिर पड़े और मर गए। नकुल सहदेव उनका भी यही हाल हुआ। अब धर्मराज युधिष्ठिर अकेले खड़े सोचते हैं, क्या हुआ, मेरे सभी भाई कहां गए। खुद चल के वहां पहुंचे तो देखा चारों पृथ्वी पे गिरे पड़े हैं, मर गए हैं। उनके मुख पे जल छिड़कने के लिए जैसे ही जल को हाथ लगाया,
यक्ष की वो ही बाणी सुनाई दे। ठहरो, पहले मेरे धर्म प्रश्नों के उत्तर दो। धर्मराज ने कहा, आप कौन हैं? कहा, मैं इस सरोवर पे रहने वाला इसका रक्षक यक्ष हूं। तुम्हारे भाइयों ने मेरी अवहेलना की, इससे इनका ये हाल हुआ है। जो मनुष्य विपत्ति के समय में भी धैर्य रखता है, वह विपत्तियों से पार हो जाता है। और जो किसी के वचन को सुनता नहीं, मानता नहीं, वो अवश्य ही महान विपत्तियों में पड़ जाता है। युधिष्ठिर, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, फिर जितनी मेरे भीतर सामर्थ्य है, बुद्धि है, उसके अनुसार मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप अपने प्रश्न कहें। यक्ष ने कहा, बताओ, पृथ्वी से भी भारी क्या है? धर्मराज ने कहा, पाप भूमि से भी भारी है। यक्ष ने पूछा, पानी से भी पतला क्या है? धर्मराज ने कहा, ज्ञान। ज्ञान पानी से भी पतला है, अग्नि से भी अधिक तीक्ष्ण तेज जलाने वाला क्या है? धर्मराज ने कहा, क्रोध। मनुष्य का क्रोध उसके पूरे जीवन को जलाकर राख कर देता है, उसके सत्कर्मों को नष्ट कर देता है, उसके मन बुद्धि और संसार को फूंक के राख कर देता है। अतः अग्नि से भी तेज मनुष्य का क्रोध है। यक्ष ने कहा, काजल से भी ज्यादा काला क्या है? धर्मराज ने कहा, कलंक। जिसको कलंक लग जाता है वो छूटता नहीं है। चंद्रमा पे लगा हुआ कलंक आज तक नहीं छूटा। चंद्रमा में आज भी दाग है। चंद्रमा ने भगवान शिव से भी प्रार्थना की, प्रभु मेरा कलंक मिट जाए। शिव ने कहा, पुत्र, कर्मों का विधान है, जो जैसा कर्म करता है उसके फल को उसे भोगना ही पड़ता है। कृष्ण महाराज से भी चंद्रमा ने विनती की, कृष्ण महाराज ने भी उसको मना कर दिया। काजल से भी काला कलंक है। बुरा काम करके, नीच कर्म करके मनुष्य युगों युगों तक अपनी मृत्यु के बाद भी कलंकित होता रहता है। अतः पाप कर्म न करे।
यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज बोले, लोग मरते हुए को देखते हैं, संसार उजड़ने के लिए ही बसा है। एक एक करके लोग मरते चले जाते हैं, किंतु अपने मरने के बारे में, अपनी मृत्यु के विषय में मनुष्य नहीं सोचते, गंभीरता से कभी विचार नहीं करते। संसार में ये ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष सामने प्रकट हो गए, धन्य धन्य कह के युधिष्ठिर को कंठ से लगा लिया। कहा, मैं धर्मराज हूं, तुम्हारे ज्ञान धर्म और धर्म आचरण की परीक्षा करना चाहता था। अब बताओ, तुम्हारे इन चार भाइयों में से मैं किसको जीवित करूं? बोले, सबसे छोटा सहदेव है, इसको जीवित कर दो। यक्ष ने कहा, आश्चर्य है, तुम्हारे भाइयों में सबसे अधिक बलवान अर्जुन है, उन्हें क्यों नहीं जीवित कराते? कहा, हम कुंती के तीन पुत्र हैं, माद्री के दो पुत्र नकुल सहदेव हैं, कुंती का एक पुत्र मैं भी हूं, मैं जीवित हूं, अपनी दूसरी माता की शांति के लिए मैं उसके पुत्र सहदेव को ही जीवित कराना चाहता हूं। धर्मदेव अति प्रसन्न हुए, तुम्हारी करुणा महान है, युधिष्ठिर तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित किए देता हूं। ओ लज मत दिल बहारो में, ओ लज मत दिल बहारो में, तू सब में सह न पाएगा, ओ लज मत दिल बहारो में, तू सब में सह न पाएगा, जो आँख से मोती, मेरा जो आँख से मोती, जमीन से उठ न पाएगा, मेरा जो आँख से मोती, जमीन से उठ न पाएगा, लजमत दिल बहारो में, लजमत दिल बहारो में, नजर कुछ ढूंढती होगी, दिल में होगा वीराना, नजर कुछ ढूंढती होगी, दिल में होगा वीराना, नजर कुछ ढूंढती होगी, दिल में हो वीराना, नजर कुछ ढूंढती होगी, दिल में हो वीराना, गले मिल मिल के रोएगा, गले मिल मिल के रोएगा, तू जब दुनिया से जाएगा, गले मिल मिल के रोएगा, तू जब दुनिया से जाएगा, लज मत दिल बहारो में,
झुमत दिल बहारों में तू सब में सह न पाएगा झुमत दिल बहारों में तू सब में सह न पाएगा जो आँख से मोती जो आँख से मोती जमीन से उठ न पाएगा झुमत दिल बहारों में झुमत दिल बहारों में संसार की खुद मत गुजारी खुद ही को छोड़ के संसार की खुद मत गुजारी कर खुद ही अहंकार बड़प्पन को छोड़ के संसार की सेवा कर उससे तेरी आत्मा को सकून होगा शांति होगी खुद ही को छोड़ के संसार की खिदमत गुजारी खुद ही को छोड़ के संसार की खिदमत गुजारी किसी का दुख जो बांटेगा 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 सकून दिल वो पाएगा किसी का दुख जो बांटेगा सकून दिल वो पाएगा झुमत दिल बहारों में झुमत दिल बहारों में तू सब में सह न पाएगा झुमत दिल बहारों में तू सब में सह न पाएगा जो आँख से मोती आँख से मोती समय से उठ न पाएगा जो आँख से मोती समय से उठ न पाएगा दुनिया में भला चाहे गुरु की बात माना कर जो दुनिया में भला चाहे गुरु की बात माना कर जो दुनिया
दुनिया में भला चाहे। गुरु की बात माना कर जो दुनिया में भला चाहे। सतगुरु के अनुरूप जो अपनी आत्मा को बना लेते हैं उन्हें एक ही जन्म में परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और गुरु पढ़ावे कैसे कबूतर और चेला कहे कैसे पतोरी। गुरु कह रहे हैं पढ़ो पुत्र कैसे कबूतर, बोले नहीं ये तो पतोरी है। तो पहले सतगुरु के अनुरूप हमें अपनी आत्मा को बना लेना पड़ता है। एक शिष्य गुरु के पास गया, कहने लगा भगवान मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दो जो मुझे समझ में आ जावे। मेरी बुद्धि कम है। गुरु ने कहा ठीक है, सब में परमात्मा के प्रकाश को समझना, बस एक बात याद रखना। गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता सो में बिसर ना जाई। गुरु ने एक बात अच्छी तरह से हिला डुला के समझा दी, क्या सबका मालिक एक है, सब में एक ही पार ब्रह्म परमात्मा का नूर है, रोशनी है, इस बात को भूलना मत। बोले आपने कहा तो कैसे भूल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। बस इसी को रखता हुआ सब में एक है, सब में वही है, सब में वही है, तू ही है, तू ही है, चल दिया। आगे से एक हाथी, हाथी कुछ बिगड़ा हुआ था, उसके ऊपर पीलवान बैठा था, वो लोगों को कह रहा था हट जाओ हट जाओ, हटो हटो हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है रास्ते से हट जाओ। चेला तो ज्ञान में मगन था, सोचा अरे हाथी हमारा क्या कर लेगा, इस हाथी में तो परमात्मा का नूर है, उसकी रोशनी है, वो ना हटा। हाथी ने उसके पैर पे पैर रख दिया, पैर टूट के ऐसे दो हो गए, एक पैर के दो। बेचारे को अस्पताल में ले गए, महीनों तक पड़ा रहा, किसी तरह से चलने लायक हुआ। लकड़ी टेकता टेकता गुरु की कुटी पे पहुंचा, महाराज तुम्हारे ज्ञान ने हमारा सत्यानाश कर दिया, तुमने हमें ऐसा ज्ञान दिया हम कहीं के ना रहे, इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। बोले भाई क्या हो गया, अजी होता क्या, तुमने कह दिया सब में परमात्मा, सब में उसका नूर है, हाथी ने हमारे पैर पे पैर रख दिया। बोले भाई जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ कह रहा था हट जाओ उसके भीतर किसका नूर था, उसकी बात क्यों नहीं मानी। तो हम ज्ञान को अपनी तरह से घटित कर लेते हैं। जो सार्वभौमिक सत्य है वो सबके लिए एक सा होता है। पहले सतगुरु के वचनों पे विश्वास करना होता है। सतगुरु जिस तरह से साधना में लगाएं, उस तरह से साधना करके ये आत्मा स्वच्छ होती है। जैसे दर्पण के ऊपर धूल जमी रहती है, कुछ चमकता नहीं। पार ब्रह्म परमात्मा का नूर तो इस आत्मा में झिलमिलाता है, मगर धूल जमी है, जन्म जन्मांतरों की धूल है। वो सत्संग से, आराधना से, सतगुरु की सेवा दर्शन और उनके अनुकूल चलने से आत्मा में निर्मलता और स्वच्छता आती है। ये नहीं कि गुरु कैसे कबूतर पढ़ाए और चेले कहे नहीं पैसे पतोरी। तो गुरु की बात माना कर जो दुनिया में भला चाहे। गुरु की बात माना कर जो दुनिया में भला चाहे। चलेगा ऐंठ के होकर लगेगी उठ न पाएगा।
चलेगा ऐठ के ठोकर लगेगी उठ न पाएगा, चलेगा ऐठ के ठोकर लगेगी उठ न पाएगा, चलेगा ऐठ के ठोकर लगेगी उठ न पाएगा। लज मत दिल बहारो ने, लज मत दिल बहारो ने, तू सदमे सह न पाएगा, लज मत दिल बहारो ने, तू सदमे सह न पाएगा, लज मत दिल बहारो ने, लज मत दिल बहारो ने, तमन्ना लाख है दिल में हवस का कोहरा छाया है, तमन्ना लाख है दिल में हवस का कोहरा छाया है, शहर है दूर दिल भर का, शहर है दूर दिल भर का, वहाँ तक कैसे जाएगा, शहर है दूर दिल भर का, वहाँ तक कैसे जाएगा, तो नजमत दिल पहाड़ों में, तो नजमत दिल पहाड़ों में, सुना है दिल के हुजरे में जही दिल आर रहता है, सुना है दिल के हुजरे में वही दिल तार रहता है, सुना है दिल के हुजरे में वही दिल तार रहता है, सुना है दिल के हुजरे में वही दिल तार रहता है, सच से जिसका दिल रोशन 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 वही दीदार पाएगा, सच से।